मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ चिकन बिरयानी। और मैंने चिकन लिया हुआ है, चिकन मैंने 1 किलो लिया हुआ है। और ये मैंने बासमती का चावल लिया हुआ है 1 किलो, और इसको मैंने भिगा के रखा है कम से कम 3 घंटे सोख करके रखा है। और आपको अच्छा चीज़ है, अभी 3 घंटे तक चावल को भिगा के रखिए, और जल्दी बनाना है, कम से कम आप इसको आधा घंटा तो भिगा के रखिए। लिया है 130 ग्राम दही, उसके बाद मैंने लिया है स्लाइस पेंस, मैंने 2 पेंस स्लाइस किया है। पुदीना लिया हुआ है थोड़ा सा, ये मैंने हरी मिर्ची ली हुई है। और ये फ्राई मसाले के लिए मैंने लिया हुआ है दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, जावित्री, ये स्टारनेस जो हिंदी में स्टारफुल बोलते हैं, ये आपका तेज़पत्ता, बे लीफ, और ये मैं धनिया पिसा हुआ धनिया, और साबुत जीरा, नमक, गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, और आखिरी में अदरक लहसुन का पेस्ट। ये पानी हमारा उबल चुका है, तो अब इसमें हम अपने जो खड़ा मसाला है, जो चावल में जो फ्लेवर डालना है वो डालेंगे। और याद रखिए, हमें सिर्फ उबलना होना चाहिए पानी को, तभी डालना मसाला चावल डालना, नहीं तो चावल बनेंगे नहीं अच्छे से। हम खड़े मसाले डालेंगे जो हमने दिखाया था, सारे खड़े मसाले डाल देंगे। नमक डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा चावल में भी नमक लगना चाहिए। चावल डालेंगे जो हमने सोख करके रखे थे 3 घंटे। इसको हम एक बॉईल के लिए रखेंगे यहाँ पर। जब बॉईल आएगा तो हम अपने गैस को मीडियम गैस में कर देंगे। ज़्यादा बॉइलिंग, हल्के हल्के बॉईल इसमें आ गया, बबल आ रहे, तो हम गैस को लो फ्लेम में करेंगे। तो हमें सिर्फ 80% पकाना है, फुल बॉईल नहीं करना, हमें 80% पकड़ना है। क्लियर भी डाल देंगे इसमें। तो चिकन को हम करेंगे रेडी, करेंगे अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो हम कढ़ाई में चिकन डाल देंगे, दो चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, अब हम इसमें 2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, और 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, हल्दी थोड़ा कलर के लिए, और ये 1 और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये मैंने कलर वाला यूज़ किया है देगी मिर्च, और नमक डालेंगे। याद रखिए स्वाद अनुसार डालिए, क्योंकि हमने चावल में भी नमक डाला है, ऐसा ना ज़्यादा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डालिए अभी। और हम अपना ये साबुत जीरा डालेंगे, हमने कम से कम 2 चम्मच होगा ये इसी लेंगे, उसको हम 2 हिस्से में टुकड़े में करके डाल देंगे। डाल रहे, अब हम प्याज का स्लाइस डालेंगे, जो हमने प्याज का स्लाइस किए हुए थे, 2 प्याज के स्लाइस किए थे। याद करिए कि ज़्यादा स्लाइस मत डालिए, इतना डालेंगे। और इसमें हम अब ब्राउन ऑनियन डालेंगे, जो हमने बरिस्ता फ्राई ऑनियन किया हुआ था, इसमें हम दही डालेंगे, दही जो मैंने 130 ग्राम लिया था वो दही पूरा डाल देंगे इसमें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बॉयल होकर निकाल गया, और ये हमारा 80% कुक है। अब फुल बॉयल नहीं करना है इसको, हल्का सा कच्चा रखना है, ठंडे होने के लिए यहाँ डालेंगे 3 चम्मच। सरसों पत्ती का जो फ्लेवर आता है अलग ही आता है। और हम इसमें अब जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था, जो तेल बचा था, अब वो भी डाल सकते हैं। जैसे मेरे थोड़ा प्याज बचा, तेल फ्राई करा हुआ प्याज बचा हुआ था, वो मैं अब डाल रहा हूँ। इससे जो प्याज का फ्लेवर है, क्योंकि तेल फेंकने नहीं है, क्योंकि तेल में पूरा फ्लेवर है प्याज का, और इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसको कम से कम, अगर आपका टाइम है तो आप 2 घंटे तक उसको मैरिनेट करके, तो उसका अच्छा फ्लेवर आएगा।
अगर नहीं है तो कम से कम आपको 15 मिनट तो मैरिनेट करके रखना चाहिए इसको। इसको हम अब मिक्स करेंगे। अब इसको हम 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। और मैंने आपको इसमें एक चीज़, ये बढ़िया फ़ायदा है इसमें, आपको बर्तन ज़्यादा गंदा नहीं होगा। अब इसी को आप जो 15 मिनट का, इसी कढ़ाई में आप चिकन को भूनना शुरू कर सकते हैं। देखो कढ़ाई में यही फायदा था मैंने डाला, क्योंकि चिकन अपना पानी खुद छोड़ेगा, दही भी डाला, दही भी पानी छोड़ेगा। उसको हम पहले भूनेंगे, फिर भूनने के बाद आपको बताएंगे इसका पानी छोड़ रहा है। आप देखते हैं आप कहते हैं चिकन पानी छोड़ेगा, पानी डालने के बाद आप इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। देखिए पानी ज़्यादा नहीं डालना, बस चिकन इसमें देना है, भीगना चाहिए, भीग गया ना। देखिए हमारा चिकन यहाँ पर हो गया है। अब इसको हम बिरयानी को, अब बिरयानी बनाने के लिए दम लगाने के लिए रेडी करते हैं। अब इसको हम इंग्रेडिएंट डालेंगे जो हमने करी बनाया था। आधा चिकन मैंने निकाल के रख दिया था, उसमें हम अपना जो आधा जो ग्रेवी के साथ जो बनाए जो यालकनी है उसके साथ हम डाल देंगे। डाल दिया हमने चारों तरफ, इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना। चावल के हमारा 80% इसी पानी से जो चावल का इसी से हमारा बन जाएगा। फैला के डालना है चावल। अपना जो फ्राई ऑनियन है वो डालेंगे, नहीं का जो मैंने फाइन चॉप किया था वो डालेंगे। मैंने पुदीना और धनिया का चॉप किया था। केवड़ा किस लिए डालते हैं? खुशबू के लिए। कोई भी ऐसा कुछ बिरयानी या कोरमा बनाते हो केवड़ा डाले उसमें खुशबू कुछ और ही आता है। अब हम इसमें अगर आपका केसर है तो डाल सकते हैं, और केसर नहीं है तो आप जो खाने में डालने वाला कलर है वो डाल सकते हैं, लाल या पीला। मैं लाल डाल रहा हूँ फूड कलर। देसी घी डाल रहा हूँ थोड़ा, देसी घी इसलिए डाल रहा हूँ चावल जब हो जाएगा चिपके ना बोल के, चावल थोड़ा फैला के डालेंगे। तो आप आटा लगा के भी दम लगा सकते हो, तो मैं बेसिकली फॉइल पेपर लगा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाता है। कर सकते हो मगर बहुत झंझट होता है उसमें। अब क्या करना है, थोड़ा गैप रहेगा इसमें, आप पहले पानी डालेंगे करके। डालिए और इसमें अब हम चलते, अब ये अब आग में रखेंगे। अगर आपका अगर हल्का नीचे का परत अगर पतला है तो आप एक तवा रख के कर सकते हैं, मगर अगर मोटा है तो बिना तवा रख के आप हल्के आग में पका सकते हैं। और दम बिरयानी पकाने के लिए आपको कम से कम 15 या 20 मिनट लगता है, 15-20 मिनट में कोई सी पर आप, मैंने दम में लगा दिया है। और एक चीज़ याद रखिए, 2 मिनट के लिए थोड़ा हाई उसमें, 2 या 1 मिनट के लिए तवा पूरा बर्तन गर्म करने के लिए 2 मिनट के लिए हम थोड़ा हाई फ्लेम रखेंगे। फिर हम कम से, आप देख सकते हो ये हमारा 15 मिनट हो चुका है दम लगाए हुए, और ये आप देख सकते हो ये कैसे ऊपर फूल गया हल्का हल्का सा। और इसको हम गैस बंद कर देंगे इस समय हम, और हम 3 से 5 मिनट तक इसको रेस्ट करने देंगे। हमने 5 से 5 मिनट हमने इसको रेस्ट करने का रखा। अब हम इसको खोल के देखेंगे बिरयानी कैसी बनी है। ओहो, तो बिरयानी का भी खुशबू आ रहा है इसमें, आप देख सकते हैं। चावल भी देखिए कितना प्यारा चावल खिल के आ रहे हैं। अब बिरयानी का एक तरीका है उसको हमेशा बने रखा है, चावल देख सकते हैं कितना अच्छा खिल रखा है। हम थोड़ा गार्निशिंग करेंगे अपने धनिया के पत्ते से, धनिया पुदीना का।